देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मंसूरा के कई कुछ बातें आप लोगों के गोश गुजार करना चाहता हूं और आपके जरिए तमाम नाज तक पहुंचाना चाहता हूं। एक वाज और बहुत ही वाज बात है कि तालीम डिग्रियों का नाम नहीं है। तालीम से अगर क्वालिटी निकाल दी जाए तो फिर उसकी अपनी कोई हैसियत बाकी नहीं रहती। हम लोगों ने मंसूरा कैंपस के अंदर, जहाँ शरिया कॉलेज की बात हो, दिलिया कॉलेज की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, आफाक एकेडमी की बात हो, हर जगह अव्वलियत और तरजीह इस बात को दी है हमारे सारे इदारों में क्वालिटी एजुकेशन। और आप जानते हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए सिर्फ बोल देना काफ़ी नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन के लिए बुनियादी तौर पर आपके पास क्वालिटी असातिज़ा होना चाहिए। अगर सिर्फ क्वालिटी असातिज़ा हैं तो आप किसी दरख्त के नीचे भी अच्छी सी तालीम दे सकते हैं। लेकिन अब इस माहौल में चूँकि सिर्फ क्वालिटी असातिज़ा से काम नहीं चलता है, एक आपको क्वालिटी इन्वायरमेंट चाहिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल करम से एक खूबसूरत सा माहौल हमने वहाँ दिया है और इस तरीके से एक दिन ब दिन रोज़ बरोज़ हम क्वालिटी एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप समझिए कि बहुत तेज़ी के साथ अच्छे अच्छे असातिज़ा की टीम इंजीनियरिंग कॉलेज की ज्वाइन करती जा रही है। ये महज इसलिए है कि चेहरे अजीज़ के जो हमारे अपने मैं कहूँ कि जो हमारे अपने बच्चे हैं उनके बेहतर तालीमी मुस्तकबिल के लिए एक बेहतर माहौल हम तैयार कर सकें। और उसी सिलसिले की एक कड़ी ये टेक्निकल कॉन्फ्रेंस है जो करीब इंशाल्लाह 19 और 20 तारीख को आने वाली तारीखों में मुनद होने जा रही है इंटरनेशनल लेवल पर। और उस सिलसिले में हमारे डॉक्टर कुरैशी साहब इंशाल्लाह तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मेरी आप तमाम अफराद से गुजारिश है कि तालीम के इस काफिले में आप हमारा साथ चाहिए। 19 और 20 मार्च को मतलब थर्सडे और फ्राइडे तो ये फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टेक्नोलॉजी होने जा रही है मालेगांव शहर में और हमारे कैंपस में भी। तो इसमें आउट ऑफ इंडिया मतलब भारत से बाहर के 12 कंट्रीज से पेपर आए, कुल मिला के 300 पेपर इसमें रिसीव हुए इंडिया से और इंडिया के बाहर से मिलाकर। ये 300 पेपर का एक इंटरनेशनल रिव्यू हुआ, मतलब कॉलेज वाइज वो सेलेक्ट होते कि नहीं वो पैरामीटर में बैठते थे। उसमें से अलहमदिल्ला 95 पेपर्स एक्सेप्ट हुए। ये 95 पेपर्स एक हमने एक स्कोपस का जर्नल है उसके साथ में टाइप किया, वो जर्नल में ये पेपर पूरे पब्लिश हो गए। और इसमें बहुत सारे PhD के स्टूडेंट हैं जिसका ये रिसर्च होने के बाद में इंशाल्लाह उनको PhD अवार्ड होंगी। काफ़ी फैकल्टी है, R&D इंजीनियर्स है इंडस्ट्री से और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के ऑथर्स भी हैं। तो इसके पहले दिन हमारे पास IIT रुड़की से हेड ऑफ डिपार्टमेंट आ रहे दास गुप्ता सर करके। IIT रुड़की बड़ा इंस्टीट्यूशन कहाँ से रुड़की IIT रुड़की इंडियन रुड़की से रुड़की उनका क्या इंजीनियर दास गुप्ता देवदास देवदास सुधीर देवदास गुप्ता ये क्या है आगे ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रुड़की के। तो ये कीनोट स्पीकर रहेंगे, इसके साथ साथ पूरा NSCCB का प्रोफेसर रहेंगे और महाराष्ट्र से सारे कॉलेजेस से प्रिंसिपल वगैरह प्रेजेंट रहेंगे और दूसरे ये ऑथर्स भी है और कीनोट स्पीकर भी है सेकंड डे के लिए 20 के लिए भी। IIT मंडी से भी है, IIT बॉम्बे से भी काफ़ी लोग हैं। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो बच्चे अपने हैं फाइनल ईयर में वो बच्चों को मतलब IIT के फैकल्टी के साथ में एक इंटरेक्शन होगा, उनको पता चलेगा IIT की फैकल्टी कैसी है, वहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसी है। ये दोनों दिन IIT की फैकल्टी कैंपस में रहेंगे, हमारे स्टूडेंट और आसपास के नासिक शहर से भी काफ़ी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आएंगे BTEC MTEC के, तो इनका भी एक इंटरेक्शन सेशन सेपरेट रखा है हमने। तो ये कॉन्फ्रेंस में दो दिन का कॉन्फ्रेंस है, पहले दिन 50 पेपर्स पब्लिश होंगे और दूसरे दिन 50 पेपर का प्रेजेंटेशन होगा। इसका पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है हमने और हर ब्रांच वाइज को डिस्ट्रीब्यूट किया जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उसके बाद में सीधी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर और उसके जज भी बुलाए अदर कॉलेजेस से। तो ये महाराष्ट्र का फर्स्ट कॉलेज है जो ये पैमाने पर सीमेंस का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस
एस्टैब्लिश कर रहा है। इसका 19th को ही इनॉग्रेशन होगा इंशाल्लाह, एंड हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये सीमेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सर्टिफिकेशन लेने के बाद, ये सर्टिफिकेशन सीमेंस जर्मनी से होगा, तो बच्चे जो भी यहाँ पर इनरोल होकर यहाँ से कोर्स कंप्लीट करते हैं उनको सीमेंस जर्मनी की सर्टिफिकेट मिलेगी, और इससे उनके सिलेक्शन के, प्लेसमेंट के आगे चांसेस और इम्कान बहुत बढ़ जाते हैं। एट द सेम टाइम इसमें कोई कॉलेज भी नहीं है सेंटर, महाराष्ट्र में कोई नहीं है, ये लेवल पर कोई नहीं है, एक लैब, दो लैब, एक मशीन, दो मशीन, छोटा सेटअप किया, लेकिन ये लेवल पर नहीं। यहाँ 17 लैब फुल फिल एडमिशन उसमें ओपन फॉर ऑल है, इसमें जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एक थोड़ा सा नेसेसिटी रहती है, लेकिन वो हमारे कॉलेज से हो, कोई और कॉलेज से हो, टीचर हो, इंडस्ट्री पर्सन हो, ओपन फॉर ऑल है। जी देखिए, इसमें हमने वाज़े किया कि 19 और 20 मार्च को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम लोग टेक्नोलॉजी पे करने जा रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए था अच्छी तालीम के लिए, तो ये अच्छे एटमॉस्फेयर का एक हिस्सा है, ये कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा है। हम अपने तलबा को, अपनी तालबात को, अपने यहाँ पढ़ने वाले लोगों को वो माहौल देना चाहते हैं जहाँ वो एक बैन अल-अक़वामी टच पैदा कर सकें, एक इंटरनेशनल टच पैदा कर सकें, और बाहर की दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे और ज़्यादा करीब होकर ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपनी तालीम को मुकम्मल करें। मंजूरा कॉलेज की पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इससे पहले कोई कॉन्फ्रेंस हुई है? इंजीनियरिंग कॉलेज की ये पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, और इससे मतलब आगे फ्यूचर में मंजूरा कॉलेज के अजायम क्या है इस कॉन्फ्रेंस को लेकर? इंशाल्लाह हमारे अजायम तो बहुत बुलंद है, हमने अपने एक इदारे का नाम आफाक इसीलिए रखा है। मैं समझता हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन बहुत वाज़े विजन है, और इसमें मज़ीद किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। तालीम बगैर क्वालिटी के नामुकम्मल है, तालीम सिर्फ डिग्रियों का नाम नहीं है। अगर आपके पास क्वालिटी नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ऐसी तालीम बोझ है, बेकार है, तो उसकी तरफ हम लोग कोशा हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत ही इत्मीनान के साथ ये बात कह सकता हूँ कि हम अपने सारे डिपार्टमेंट, खा तिबिया कॉलेज हो, खा इंजीनियरिंग कॉलेज हो, खा शरिया कॉलेज हो, खा हमारा स्कूल लेवल के जो इदारे हैं यहाँ या बेंगलोर, हर जगह हम इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि तालीम के अंदर क्वालिटी आए।